हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं करता हूँ, कैसे हो गए? तो मैं गया था आदमी से, वापस मैं आ चुका हूँ। कपड़े बदलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। कपड़े तो मैंने बदल लिए हैं, चलते हैं अपने मशीन तरफ, देखते हैं खाना में क्या खाना ही होना तो नहीं है। फ्रिज में कुछ फुला फॉली करते हैं, देखते हैं फ्रिज में क्या निकलता है। एवरीवन, किचन में मैं आ चुका हूँ, फ्रिज की फुला फॉली करते हैं, देखते हैं फ्रिज में क्या निकलता है खाने के लिए। मैं खोलता हूँ अपने फ्रिज, देखते हैं हमारे फ्रिज में क्या निकलता है खाने या कोई दूध पड़ा हुआ है। बढ़िया, हो पुलाव? पुलाव खाते हैं। ये क्या पड़ा हुआ है? ये मीठा बहुत देर से पड़ा हुआ है, और कुछ भी नहीं है। पुलाव खाता नहीं, वो तुम खा लेंगे। ऊपर वाले खाना चेक करते हैं, ऊपर वाले खाने में क्या पड़ा है। ये कुछ पड़ा है हमारे फ्रिज में, तो ये थोड़ी सी माखी दाल पड़ी है, इसके साथ रोटी बना के खा लेंगे हम, या फिर चिप्स ले आएंगे। तो देखते हैं पहले ऊपर वाले खाने में क्या पड़ा है। ये कर दिया मैंने नीचे वाला खाना बंद, खोलते हैं अपना ऊपर वाला खाना। खुल जाए भाई, ये पड़ा है हमारे ऊपर, गोश्त वगैरह पड़ा है, बर्फ़ है। और ये क्या है? ये तो ओडी शेक है, ये मुझे लगता है मुशबा मैंने अपने लिए बना के रखा है। वो गए हैं ट्यूशन, उनके यहाँ से पहले हम गड्ढा कर लेते हैं, फिर खाने का सोचते क्या करते हैं। चलिए इसको पहले पीते हैं, फिर मिलते हैं। आ चुका हूँ मैं अपने बेडरूम में, देखते हैं और शेक कैसा बना है, पी के फिर आगे बताते हैं, चेक करते हैं कैसा। वाह, चीज़ तो बढ़िया है। पीते हैं और शेक, फिर मिलते हैं आगे, फिर देखते हैं खाने का करना है। पीता हूँ, बहुत मजे का, और पीता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। तो जी, और शेक तो मैंने पी लिया है, दिखाता हूँ आपको, मैंने पूरा गिलास खाली कर दिया। तो जी, ये देखें, हमने सारा और शेक पी लिया है। मुशबा भाई का फ्रिज में रखे गए थे, वो पता नहीं है मेरे रखे गए थे या वो अपने ही रखे गए थे, उनके यहाँ से पहले हमने पी लिया है। अब पता नहीं हमारे साथ क्या करते हैं, 8:30 या 7 बजे तक उन्होंने आना है ट्यूशन से। चलते हैं गिलास को किचन में छोड़ने, फिर मिलते हैं आपसे। तो जी, गिलास तो मैं किचन में ले आया हूँ। अब यहाँ पर तो कोई बर्तन धोने वाला है, एक चम्मच पड़ा है, गिलास भी धोते हैं, चम्मच भी धोते हैं हम। तो ये देखें जी, मैंने गिलास भी धो दिया और चम्मच भी धो दिया। आप लोग प्लीज़ अपनी मम्मा की हेल्प कराया करें, वो हमारे दिन रात काम करते हैं किचन में। भूख लग रही है अभी थोड़ी सी, चलते हैं चिप्स लेते हैं, फिर चिप्स लेने वापस आके मिलते हैं। तो जी, चिप्स लेके मैं आ चुका हूँ, दिखाता हूँ आपको कैसी है चिप्स। तो जी, ये हमारे चिप्स 50 के लेके हम मसाला के फुल तेज़ है। आज बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच भी है, बांग्लादेश के 4 आउट हो चुके हैं 110 पे। मैं खाता हूँ चिप्स, फिर मिलता हूँ आपसे, उतने जाके आप मैच इन्जॉय करें। तो जी, ये साल हमने देखा 37 ओवर में चाचू बॉलिंग कर रहे थे, एक रन के साथ उन्होंने ओवर किया और विकेट भी निकाली, कमाल बॉलिंग की है। मैच पूरा होता रहेगा, चलते हैं ऊपर छत पे, देखते हैं हमारे मुर्गी क्या कर रही है। तो ये देखें जी फ्रेंड्स, ये है हमारे मुर्गी, तहस नहस कर दी इसने सारा, कुछ डाल दे इसको दाना, फिर मिलते हैं आप। तो जी, छत पे मैं आ चुका हूँ, पता नहीं मुझे किस चीज़ का कीड़ा लग रहा है। बड़े बड़े जो है ना फिल्मों वाले एक्टर्स, उनकी मुझे थोड़ी कॉपी करनी आती है, तो वो कर देते हाथों को। तो जी, सबसे पहले हम करते हैं अमिताभ बच्चन की एक्टिंग, चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका अपना अमिताभ बच्चन, आपको मेरे शो में जीतने के लिए 3 सवाल के आंसर देने होंगे। अगर आपने आंसर दे लिए तो आपको इनाम मिलेगा 10 करोड़। बताएं कैसी लगी? अब हम करते हैं एक और फिल्म की एक्टिंग, बता नहीं सलमान खान की फिल्म है शायद, उसकी एक्टिंग करके दिखाते हैं। ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। बताइए कैसी है? अब हम करते हैं शाहरुख खान की एक्टिंग। अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बताएं कैसी लगी आपको? अब हम दिखाते हैं हमारे यहाँ पे कैसा मौसम। तो जी, देखें हमारे यहाँ पे ऐसा मौसम हुआ है लाहौर में, बादल बदल हुए हैं, हल्की हल्की धूप निकली है। चलते हैं नीचे जाके मैं एंजॉय करते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान का, दुआ करें पाकिस्तान जीत जाए। चलते हैं नीचे और मैं एंजॉय करते हैं। तो जी, नीचे मैं आ गया था, लोग शुभ मैं नहीं किया, अभी देखते हैं क्या सूरत हाल बनी है। तो जी, पाकिस्तान की बैटिंग आ चुकी थी, 1 ओवर हो चुका है, 8 स्कोर पड़ी है तस्कीन को, पाकिस्तान ने 8 स्कोर किया। उनमें पूरा मैच मैं आपको दिखाना था, 50 ओवर का मैच है, पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत जाएगा। यहीं पे करते हैं अपना आज का व्लॉग एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मेरे चैनल एबी व्लॉग 976 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, किसी और नए कंटेंट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।